आरुप्यते शिलाशैले यत्ने य महता यथा पात्यते तू क्षणे नाध तथात्मा गुण नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं आपके सवालों का जवाब लेकर यानी सवाल आपके जवाब हमारे एक से बढ़कर के एक जो प्रश्न आप सभी दर्शकों ने किए हैं आइए उन प्रश्नों का जवाब देना प्रारंभ करता हूं अपने ज्ञानानुसार अपने सामर्थ्यानुसार आरोप्य शिला शैले अगर पहाड़ के ऊपर एक भारी भरकम पत्थर शिला दे दिया जाए कि ले जाकर के ऊपर स्थापित कर दीजिए शैल के ऊपर अगर शिला स्थापित करना हो यने न इसमें काफी प्रयत्न लगेगा इसमें काफी मेहनत लगेगी पात्यते तू क्षण नाध लेकिन अगर उस शिला को ऊपर से नीचे फेंकना हो क्षणे नाध एक क्षण लगेगा बस वैसे ही गुण और दोष है गुण को अगर किसी व्यक्ति के अंदर स्थापित करना हो तो बहुत यत्न करना पड़ता है बहुत ज्यादा परंतु अगर कोई अवगुण स्थापित करना हो अवगुण डालना हो उसमें कोई कठिन कार्य नहीं बहुत मुश्किल नहीं होता तुरंत ही अवगुण डाला जा सकता है किसी भी मनुष्य में सदगुण को बिठाना सदगुणी बनाना बड़ा मुश्किल है परंतु दुर्गुण से भर देना दुर्गुणी बनाना बड़ा ही आसान है वैसे ही जैसे पहाड़ के ऊपर से शैल के ऊपर से किसी शिला को फेंकना चलते हैं आपके प्रश्नों की ओर सबसे पहला प्रश्न है उमा श्री जी का। इन्होंने पूछा है आपने कहा था पत्नी के पुण्य का फल पति को नहीं मिलता तो क्या पत्नियां जो पति के लिए प्रार्थना करती हैं तो उसका भी असर नहीं होता नहीं बिल्कुल होता है मैंने यह कहा था कि पत्नी जब पति के लिए ही प्रार्थना करे तब बात अलग हो जाती है लेकिन पति कोई भी पूजा पाठ करे उसमें संकल्प लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती कि मैं संकल्प ले रहा हूं मेरी पत्नी को भी प्राप्त हो लेकिन पत्नियों को ऐसा प्रार्थना जैसे आपने कहा तो ना कि पति के लिए तो पति के लिए जो आप प्रार्थना करती हैं तो सीधी सी बात उनको वो मिल जाएगा लेकिन पति के साथ ऐसा नहीं है वो पत्नी के लिए संकल्प ले मन में सोचे व न सोचे आधे पुण्य की सहभागिनी वो बन जाएंगी शकुंतला, रा तौरी, रा या शकुंतला या जी हैं आपने पूछा है है क्या ऐसा हो सकता है कि घर में हवन करने के लिए पत्नी मंत्रोच्चार करे और पति आहुति दे अगर पौराणिक मंत्र है बीज मंत्र है हां बिल्कुल हो सकता है वैदिक मंत्र है तो उचित नहीं है तो ज्यादातर घर में अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आशा करता हूं पौराणिक या बीज मंत्र होगा बिल्कुल कर सकती हैं दोनों साथ बैठे दोनों साथ रहें वैसे नियमतः देखा जाए तो पति भी मंत्र पति ही मंत्र बोलते और आहूति डालते हवन में जो सहयोग होता वो पत्नी करती तो ज्यादा अच्छा होता परंतु अगर आपके पास कोई कैलकुलेशन करने वाला नहीं है कोई गणना करने वाला नहीं है तो उस अवस्था में ऐसा भी किया जा सकता वीण मिश्रा जी ने पूछा है जप माला करते वक्त बहुत ही उबासी आती है और आलस्य भी बाकी समय ऐसा नहीं होता जी बिल्कुल ऐसा होता है सबके साथ होता है क्योंकि उस समय आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं उस समय आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं तो शांत होते ही थकान सी महसूस होने लगना नींद आने लगना आलस्य होना हो जाता है तो जैसे जैसे अब मतलब एक सामान्य सी बात है केवल आपके साथ नहीं होता सभी के साथ होता है आप विशेष करके जब इत्यादि कर रहे हो तो ऐसा होता है धीरे धीरे अभ्यास से इसको ठीक किया जा सकता है अगर आप अपना पूरा पूरा ध्यान मंत्र में लगाना शुरू करें तो धीरे 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 ये ठीक हो जाएगा लेकिन ऐसा होता है ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं और ऐसी कोई समस्या भी नहीं कि आपके साथ ये बहुत बड़ा कोई जिसके साथ भी हो रहा है कोई बहुत बड़ा अपराध आपसे हो गया ऐसा कुछ नहीं है उस समय मन शांत हो जाता है और वैसे भी जैसे ही भगवान नाम स्मरण हम शुरू करते हैं कलयुग अपना प्रभाव तुरंत डाल देते हैं तुरंत प्रभाव आ जाता है तो वो होता है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। राहुल जी जी ने पूछा है, कडने जी ने पूछा पूछा है, है, सफेद आक किस ग्रह से संबंधित है हवन में तो सूर्य से संबंधित होता है सूर्य से संबंधित जब हवन किया जाता है तो आक वृक्ष सही होता है इन्होंने पूछा मैं रोज इस वृक्ष को जल देता हूं लेकिन पड़ोसी बोल रहे हैं कि रविवार को इसे जल नहीं देना चाहिए वैसे तो सूर्य से संबंधित है आप रोज दीजिए और रविवार के ही दिन क्यों छोड़ेंगे जब दे ही रहे तो रोज दीजिए कोई दिक्कत नहीं है मंजू जी ने पूछा है माता की मृत्यु के कितने दिन बाद पूजा पाठ हवन आदि करना चाहिए मंजू जी आप स्त्री हैं तो आशा करता हूं अगर आप विवाहित हैं और अपने ससुराल में हैं अब माता की मृत्यु के बाद अब अपने तेरहवें दिन के बाद या दस पंद्रह दिन के बाद भी अगर आप लौट आई हैं अपने घर तो आप पूजा पाठ चाहें तो अपने घर में अब कर सकती हैं आपको कोई दोष नहीं आपको तो दोष खैर था ही नहीं कोई दोष नहीं लेकिन अभी आप अपने मायके में ही हैं या इस तरह की स्थिति में मायके में ही कोई हो मैं स्त्रियों के लिए बात कह रहा हूं तो उस अवस्था में आपको कोई दोष नहीं आप कर सकती हैं कोई दिक्कत नहीं है अब वैसे सामान्यतः माता की मृत्यु के पश्चात सामान्य परिस्थिति यह है कि घर के माहौल परिस्थिति को देख करके तेरहवें दिन के बाद ही पूजा करना शुरू कर सकते हैं वैसे सामान्य परिस्थितियों में अगर दिक्कत हो रही तो एक माह के बाद नियमतः तेरहवें दिन के बाद ही मैंने तेरहवीं और इसके बाद पूजा प्रकाश पांडे जी ने पूछा है अगर घर में बहुत ज्यादा मात्रा में लाल चीटियां हमेशा रहे तो क्या करना चाहिए कोई उपाय हो तो अवश्य बताने की कृपा करें वैसे तो मैंने सुना है कि लाल चीटियां धनागमन की सूचना देती हैं या जहां धन दिखाई धो तो वहां भी ये बहुत ज्यादा होती हैं तो हो तो देख लीजिएगा बाकी आप अपनी सुरक्षा देखिए आप अपनी सुरक्षा देखिए हमेशा मैं कहता हूं कि आपकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है तो आप उन पर जैसे भी उनको हटा सकते हो हटाने का यत्न करिए सोमेश वाजपेयी जी ने पूछा है यदि किसी से प्रेम हो गया उससे अब कोई भी बात नहीं होती सिर्फ हमने प्रेम जताया सामने वाले ने मना किया लेकिन जब भी राम को याद करते हैं उसकी याद आ जाती है क्या किया जाए उसे भुलाया नहीं जा सकता क्योंकि मेरा दिल तो यही कहता है कि राम प्रभु की यही इच्छा है हाँ ये आपका दिल कहता है लेकिन मेरा प्रश्न प्रश्न

उसको याद करते हैं तो भगवान याद आ जा रहे हैं अच्छी बात है अच्छी बात है इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन अगर यही उम्र है तब तो ज्यादा चिंता का कोई कोई विषय नहीं नहीं है कोई चिंता नहीं करनी है चिंता करनी ठीक जा रहे हैं आप हाँ बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं लेकिन अगर आपकी उम्र ज्यादा है भाई तब आपकी गलत दिशा हो रही है अगर पच्चीस पार कर गए हैं तब तो बड़ी मुश्किल में है आप और आपको फिर थोड़ा सा दिशा परिवर्तित करना पड़ेगा क्योंकि भटकाव के चरम पर चले गए हैं पच्चीस के भीतर है निश्चिंत रहिए आप बिल्कुल सही दिशा की तरफ जा रहे हैं तो मुझे आपके प्रश्नों ने तो यही बताया कि आप पच्चीस के भीतर ही है, है। निश्चिंत रहिए निश्चिंत रहिए ये होता है ये हो रहा है आपको कोई बड़ी बात नहीं है आपको कुछ दिनों की बात है फिर बस भगवान ही याद आएंगे तो कोई बात नहीं ठीक है निश्चिंत रहिए अगला प्रश्न जो है वो लोकेश शर्मा जी का है इन्होंने कहा कि हवन में इंद्रदेव और ब्रह्मदेव को आहुति नहीं दी जाती क्या क्या बात करें प्रारंभ भी होता है अंत में भी भी होता है है बिल्कुल बिल्कुल ब्रह्मा को श... आहुति दी जाती है। इसमें तो कहीं कोई प्रश्न ही नहीं, नहीं। हरसिल सोनी जी ने पूछा है क्या नित्य मंदिर जाने से रोज के पाप नष्ट हो जाते हैं निसंदेह है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि नित्य मंदिर जाने से आपके रोज के क्या जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं बस आप श्रद्धापूर्वक नोट करिए अगर आप श्रद्धापूर्वक मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर जबरदस्ती हालांकि मैं तो जानता हूं कि जबरदस्ती भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता परंतु श्रद्धा से जा रहे हैं तो बिल्कुल नष्ट हो जाता शायद दूसरा प्रश्न इनका भी ए, 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 इनका एक और भी प्रश्न है क्या शाम या रात में जन्म होने से सूर्य को अस्त माना जाएगा सूर्य को अस्त नहीं कुंडली में कभी माना जाता काल बल में अगर देखा जाए तो सूर्य का वहां बल जैसे दिन में जिन ग्रहों का बल होता है उसमें सूर्य का बल होता है रात्रि में सूर्य का बल कमजोर हो जाता है तो कुंडली में जब गणना की जाएगी सटबल में तो उसमें यह देखा जाएगा कि काल बल में इनका बल थोड़ा कम पड़ा क्योंकि जन्म रात का है प्रेम त्रिपाठी जी ने पूछा है कुछ व्यक्ति नशीली पदार्थ का सेवन बाबा का प्रसाद बता करके सेवन करते हैं एवं दूसरों को भी करवाते हैं कृपया उनके विषय में कुछ कहें यह आजकल के युवा वर्ग को भ्रमित कर रहे हैं नहीं उनके विषय में क्या कहना है मतलब कहना क्या है ये मुझे बताइए आप ये बता सकते हैं कि उनके बारे में कहना क्या है भाई जो भ्रमित हो रहा है वो ऐसे थोड़ी भ्रमित हो रहा है वो भी तो चाहता है कि मैं भ्रमित हूं उसका भ्रम में पड़ना भी उसकी इच्छा है कि मैं भ्रमित होना चाहता हूं आप मुझे बताइए अभी, अभी अभी एक श्लोक बोला था ना मैंने कि पहाड़ के ऊपर शिला के ऊपर एक पत्थर ले जाकर के स्थापित करना हो तो एक कठिन काम है लेकिन दुर्गुणों को भरना इतना ही आसान है जैसे उस शिला से शिला को पहाड़ के ऊपर से फेंक देना लुढ़का देना आपको कोई मेहनत नहीं करनी है बस काम बन जाएगा तो ये दुर्गुण अगर किसी के अंदर स्थापित किया जा रहा है तो क्या जिसके अंदर दुर्गुण स्थापित किया जा रहा है उसको नहीं पता है उसको नहीं पता है भगवान का नाम लेकर के अगर कोई कह रहा है तो भगवान तो बहुत सारा कुछ किए हैं आप उसमें से और भी कुछ करिए तो यह कोई मुद्दा नहीं है कि उनके लिए कुछ कहा जाए यह असल में भ्रमित हो रहे हैं ना, ना वो भ्रमित ही हैं वो भ्रमित ही हैं वो, है। वो भ्रमित हो कैसे सकते हैं वो तो ऑलरेडी भ्रमित है हां अगर आप उनको सनमार्ग पर लाना चाहते हैं तो यह वैसे ही है जैसे पर्वत पर शिला स्थापित करनी है क्योंकि आप जब उन्हें समझाने जाएंगे तब वो ये बात कहेंगे कि यह बाबा का प्रसाद है तो उन्हें जो है यह प्रसाद लेने दीजिए वक्त फिर उनको प्रसाद खिला देगा फिर वो मान जाएंगे तो कुछ चीजें तो हमें वक्त के ऊपर छोड़नी ही पड़ेगी हम एकदम से झंडा लेकर के आगे आगे चल के भी कुछ कर नहीं पाएंगे बहुतों ने तो किया प्रयास कहां बात बनी सबने किया अपने अपने स्तर पर सबने किया सबने अपने स्तर पर काम किया मार्ग दिखाने का प्रयत्न किया अब सबको सनमार्ग नहीं दिखाया जा सकता प्रकृति ने उनको इसीलिए चुना है तुम्हारा यही काम है देखिए जैसे हाथ के लिए इसका उदाहरण आप समझिए कि एक बराबर अगर हाथ की उंगलियां कर दी जाए तो क्या आप कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अगर समाज से ऐसे लोगों का अस्तित्व तो समाप्त कर दिया जाए तो भी समाज को सही दिशा नहीं मिल पाएगी ये काम कर रहे हैं समाज को सही दिशा देने की भाई उदाहरण देना हो बुराई का तो हम बुराई कहां से लाएंगे अगर बुराई हो ही ना तो याद रखिए कि अच्छाई टिकी हुई है न्यू पर किस न्यू पर भाई बुराई रूपी न्यू पर तो ये जो भी लोग हैं ये जो भी लोग हैं इन्हें आप बदलने का प्रयत्न बहुत ज्यादा करके भी कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि फिर ये आपको समझाएंगे फिर आपके मन में चित्त में घृणा उत्पन्न होगी क्रोध उत्पन्न होगा हो सकता है सामने वाले से आपका बहस भी हो जाए हो सकता है रिश्ता भी खराब हो जाए क्यों खराब कर रहा रिश्ता हम बदलाव करने का प्रयत्न कर सकते हैं विचार कर सकते हैं लेकिन एक विचारणीय तथ्य तो है कि वो बिगड़ना न चाहता हो और कोई बिगाड़ दे ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा कैसे हो सकता है ना ये नहीं हो सकता सामने वाला भी चाहता होगा उसके मन के किसी कोने में यह बात है ले रहा है वो लेने दीजिए उसको यह नाम है तिस्का या टिस्का जिन्होंने पूछा है इन्होंने कि मानव को ईश्वर की सबसे अद्भुत संरचना कही गई है अद्भुत संरचना कहा गया लेकिन मानव छोटी छोटी बातों में उलझ कर जीवन को व्यर्थ कर लेता है मेरा आपसे निवेदन है कि मानव की सबसे बड़ी शक्ति क्या है की सबसे बड़ी शक्ति है कर्म करने की शक्ति सोचने की शक्ति पशुओं में और हम में इतना ही अंतर है कि वो बेचारे सोच नहीं सकते और हम सोच सकते हैं अब बारी आ जाती है कि इस अद्भुत कृति को हम लोग ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं जरा सोच के देखिए ये बात असल में मैं पहले इस सवाल का जवाब नहीं सोचा था अभी अभी इस बात का सवाल का जवाब मेरे दिमाग में आया जब आपने भी यह प्रश्न उठाया प्रेम त्रिपाठी जी ने भी प्रश्न उठाया ये छोटी-छोटी बातों में जो उलझे हुए लोग हैं ये सबके सब अगर धार्मिक हो जाएं सब, के सब केवल धर्म में लग जाएं सोचिए इस पर एक बार सोचिए अभी अभी मेरे दिमाग में आया है कि सबके सब बिल्कुल धार्मिक हो जाएं केवल धर्म करने लगे एकमात्र उद्देश्य सुबह से शाम तक केवल भगवत कीर्तन क्या यह चल पाएगा समाज यह सृष्टि चल पाएगी नहीं चल पाएगी इनकी उतनी ही आवश्यकता है इस समाज में जितनी उन लोगों की जो बहुत धार्मिक हैं, जो बहुत संत प्रवृत्ति के हैं अगर संत की आवश्यकता है इस समाज को तो असंत की भी अत्यंत आवश्यकता है इस समाज को आप इन्हें मिटाने का प्रयत्न मत करिए वो वैसे ही है जैसे हमें बुराई मिटाने के लिए हम अंधकार मिटाने की बात करते हैं विवेकानंद की एक बात अंधकार जैसी कोई वस्तु नहीं है, है ही नहीं प्रकाश का सर्वथा अभाव ही अंधकार को जन्म दे देता है सबने अपना काम किया विवेकानंद जी ने भी बहुत काम किया कहां बात बनी तो ये जारी रहेगा क्योंकि बात वहीं पर घूम फिर करके आ जाती है कि ये जो आप जिनको अच्छे लोगों के रूप में रख रहे हैं ये निर्भर हैं ये टिके हुए हैं कहीं ना कहीं इनके ऊपर आस्तिकता टिकी हुई है नास्तिकता पर और नास्तिकता टिकी हुई है आस्तिकता पर बिना एक दूसरे के न सिक्के के दो पहलू हैं इन्हें बने रहने दीजिए हां आपने पूछा कि मानव की सबसे बड़ी शक्ति क्या है वो सोचना है वो सोच सकता है वो सोच सकता है अपने लिए कर्म कर सकता है तो ये मानव के पास क्षमता है लेकिन ऐसे भी जो लोग हैं इनकी भी समाज को आवश्यकता है इनको रहने दिया जाए अगला प्रश्न राजकुमार जी का है इन्होंने पूछा है क्या योग में दिव्य दृष्टि प्राप्त करने की शक्ति है जिस प्रकार महाभारत में संजय को एक मामूली इंसान होने के बावजूद प्राप्त थी हालांकि उस समय कोई मामूली तो नहीं था खैर योग कौन सा मतलब ये जो कसरत वाला योग करते हैं वो या ध्यान धारणा समाधि इत्यादि वो वाला योग किस योग की बात कर रहे हैं आजकल इसको भी योग कहा जा रहा है ये वाला नहीं इससे आपका शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा आपका शरीर तैयार हो जाएगा ये बात सत्य है स्वस्थ शरीर में भी क्षमता बढ़ जाती है योग करने की लेकिन इससे नहीं हां ध्यान इत्यादि की अगर आपको कोई सद्गुरु मिल जाए और सही ध्यान लगाने की ध्यान करने की विधि आपको बता दे निसंदेह हो सकता है दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि सबसे छोटी बात है ये सबसे छोटा पायदान आप इसको समझ लीजिए सबसे छोटे पायदान पर है दिव्य दृष्टि जहां दिव्य दृष्टि से दिखाई पड़ने लगे ये बहुत स्वाभाविक है संभव है बहुतों को मिला मिल सकता है नीरज जी ने पूछा है क्या प्रेम में इतनी शक्ति है कि जातक की कुंडली का मांगलिक दोष समाप्त तो हो सकता है नीरज जी आप भी पच्चीस के भीतर ही है अगर पच्चीस के भीतर हैं तो निसंदेह आपके लिए अभी है मांगलिक दोष आपका प्रेम समाप्त कर सकता है 25 के भीतर है तो है 25 पार कर चुके हैं नहीं है साहब अंतर बस इतना ही है आप 25 के भीतर हैं और अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और बस ठीक है कमा खुद नहीं रहे हैं सामान्य जिंदगी चल रही है निसंदेह प्रेम में इतनी क्षमता है कि मंगल तो उसका क्या करना मंगल तो उसका बिगाड़ लेगा परंतु अगर सही जगह पर आ गए हैं अब दीन दुनिया समझने लगे हैं ना जी ऐसी कोई गलती मत करिएगा मुश्किल में पड़ेंगे कुंडली मिलाना अत्यंत आवश्यक है अच्छा इन्होंने आगे लिखा है हमारे शास्त्रों में प्रेम की शक्ति का कई बार उल्लेख है हां हां बिल्कुल है प्रेम की शक्ति का जबरदस्त उल्लेख है माता पिता से करिए आकाश राज जी ने पूछा है मेरा मन हमेशा ईश्वर की छवि मन में हमेशा ईश्वर की छवि दिखती रहती है मैं कुछ कुछ देर में उन्हें प्रणाम करता रहता हूं इससे कोई विकृति तो नहीं समझी जाएगी इस कृपया मार्गदर्शन करें कई लोग मुझे टोक देते हैं तो लोगों को कैसे पता चलता है इसका मतलब आप सामने उनके दिखाते हैं अगर दिखाते हैं तो ये ठीक नहीं है भाई आपके अंदर ईश्वर की छवि बार बार आ रही आप मन ही मन उनको बार बार नमन करिए और एक बार क्यों और दो बार और दस बार और सौ बार क्यों गणना इसकी क्यों करनी दिन भर करिए लेकिन लोग कैसे जान गए इसका मतलब या तो आप उनको उनके सामने कर रहे हैं या बात करते करते आपके मन में आ गई और आपने हाथ जोड़ना शुरू कर दिया श्री साहब ठीक नहीं है ऐसा मत करिए उचित तो यह है कि आपके मन में वो ईश्वर आए और आप मन ही मन उसका ध्यान करिए बहुत अच्छी बात है यह बहुत अच्छी बात है लेकिन वो अच्छी बात नहीं है कब जब लोग भी उसको देख रहे हैं यह दिखावा है आप मुझसे पूछ सकते हैं क्या यह दिखावा खराब है हां उन लोगों के लिए जिन्होंने यह प्रश्न उठाया यानी आकाश प्रश्न उठाया इसका मतलब इनके लिए खराब है लेकिन आकाश राज्य इस लेवल से ऊपर उठ गए हैं उनको फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है यानी आप ऊपर के लेवल में जा रहे हैं लेकिन अगर यह प्रश्न उठाया है इसका मतलब आपके लिए ठीक नहीं है आपके लिए ठीक नहीं है कि लोग भी इस बात को जाने तरन आदर्श जी ने पूछा है प्रत्येक व्यक्ति का रंग रूप अलग अलग क्यों हो है क्या पूर्व जन्म का कोई कर्म है जिसके कारण किसी को रूप मिलता है और किसी को नहीं नहीं देखिए एक बात आपको बता दूं कि पूर्व जन्म को तो यहां मैं नहीं रखूंगा और हां इतना जरूर आपको बता दूं कि सभी एक रंग के हो जाएं आज सवाल एक जैसे बहुत सारे हैं सभी एक रंग के हो जाएं तो कैसी होगी यह सृष्टि इस सृष्टि का कमाल देखिए इस सृष्टिकर्ता का चमत्कार देखिए इतने सारे लोगों को बनाया एक जैसा नहीं बनाता सबके जो यहां पर चिन्ह है उंगलियों में अंगूठे की का जो चिन्ह है सब अलग अलग है सब कुछ अलग अलग बना रखा है यही तो कमाल है यही तो कमाल है उस सृष्टिकर्ता का इन्हीं अलग अलग लोगों से मिलकर के ही तो एक भव्य समाज का निर्माण हुआ है एक जबरदस्त समाज का निर्माण हुआ है एक जैसे होते तो उदासीन हो जाता सब कुछ मैं भी भक्त आप भी भक्त उदासीन हो जाता कोई मतलब ही नहीं था इस सृष्टि के नियंता की ये धारणा नहीं रही होगी तो उसके धारणा में सब कुछ है सब रंग कोई रंग भेद नहीं कोई रूप भेद नहीं सभी तरह के रंग हैं आप सोच के देखिए कि आपके घर के गमले में केवल एक रंग का फूल हो विश्वास करिए कुछ दिन जाएंगे उसके बाद मन नहीं करेगा जाने का लेकिन अगर उसी गमले में रंग रंग के फूल लगा दीजिए आपका बार बार मन खींचेगा उधर जाने का ये रंग का खिंचाव है प्रकृति ने भी वही किया है अपने गमले में हर रंग का फूल लगा दिया है वो देखना चाहता है वो आनंद लेना चाहता है इस गमले का हर खिलते फूल को देख करके और रंग रंग के फूल हैं सब एक बहुत एक से एक बढ़िया प्रकृति सबसे उतना ही प्रेम करती है वो फूलों से प्रेम करती है और हम उसके फूल हैं एक रंग का कर दे तो क्या आनंद आएगा उसमें और अगला प्रश्न है कुणाल कुमार जी ने पूछा है क्या कोई व्यक्ति अपने कर्मों से अपने भाग्य को या यूं कहें कि ब्रह्मा के लिखे को बदल सकता है हाँ ब्रह्मा ने अगर उसके कर्म में ये लिख दिया हो कि तुम कर्म से अपने भाग्य बदल सकते हो तो व्यक्ति कर सकता है अन्यथा नहीं कर सकता रघुवीर राज जी ने पूछा है क्या किसी की कुंडली से यह पता चलता है कि उसका जन्म किस निमित्त हुआ है लग्नेश की स्थिति को देख करके और कर्मेश की स्थिति को देख करके निसंदेह यह पता किया जा सकता है पंचम से यह पता किया जाता है कि किस तरफ से आया है किधर जाएगा तो पंचम नवम लग्न और कर्म से निसंदेह कुछ हद तक तो विचार किया ही जा सकता है लेकिन प्रकृति के गर्भ में इतनी सारी बातें छुपी हुई हैं कि सब कुछ तो शायद ही पता चल जाए या शायद सा, ही पता चल पाए क्योंकि एक ही काल में जन्मे दो बालक दोनों के दोनों विवेकानंद तो नहीं हो सकते हैं ना विवेकानंद तो एक ही थे एक ही होंगे रामकृष्ण परमहंस तो एक ही थे एक ही होंगे बुद्ध तो एक ही थे एक ही होंगे तो ये प्रकृति में के गर्भ में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है कुछ हद तक कल्पना की जा सकती है धीरज पांडे जी ने पूछा यदि घर का मुख दक्षिण की ओर हो तो क्या ऐसे उपाय करें ना कि दोष न लगे देखिए उपाय तो कुछ नहीं करना घर के मालिक को थोड़ा ही कमजोर जरूर कर देता है लेकिन अगर घर के सामने रोड है विशेषकर चलता रोड हो तब तो दोष होता ही नहीं है अगर रोड चलता फिरता है कोई दोष नहीं है प्रयास अगर इसमें ऐसा हो कि एक और साइड से दरवाजा कहीं खुल जाए तो भी उस दोष को कम आप कर सकते हैं तो ये करिए पूजा पाठ जिस घर में होता रहे निरंतर नित्य निरंतर कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है उषा यादव जी ने पूछा है आपने बीसा यंत्र पहनने को कहा यदि पहन नहीं पा रहे हैं तो मंदिर में रख सकते हैं क्योंकि हमारे पास अभी चांदी का लॉकेट नहीं है परिस्थिति के कारण नहीं बनवा सकते अभी हाँ परिस्थिति अभी नहीं है ठीक है आप घर में रह करके उसकी पूजा करिए कोई दिक्कत नहीं तो वैसे लाल रंग के कपड़े में चाहे तो उसको मोड़ कर सिलकर और तब भी धारण किया जा सकता है लाल रंग के कपड़े में कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं सत्यम सत्या जी ने पूछा है शादी के लिए तो बहुत साधना है परंतु क्या कोई ऐसी साधना है जिससे कुंडली में शादी के योग हो परंतु शादी ना हो क्या बात है बहुत बढ़िया इसके लिए है ना एक साधना आपका दृढ़ प्रतिज्ञ होना यह वाली साधना आप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं या आपका भी मन डोल रहा है अगर मन डोल रहा है तो करिए चुपचाप और मन नहीं डोल रहा है तो फिर कोई ऐसा योग नहीं है जो आपको डिगा सके अब मन डोल रहा है तो बात ही खत्म सजल कंसल जी ने पूछा है किसी वस्तु द्वारा किसी ग्रह का बल कम करना ज्यादा प्रभाव देता है या मंत्रों द्वारा उस ग्रह की पूजा करना ज्यादा अच्छा मंत्र निसंदेह सिद्ध हैं तुरंत प्रभावी हो जाते हैं ऐसा नहीं है कि वस्तु से रंग से प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन मंत्र पहले से ही सिद्ध हैं वो तुरंत प्रभावी हो जाते हैं रविंद्र चौहान जी ने पूछा है बाजार से लाई गई नई रुद्राक्ष की माला को जप करने योग्य बनाने के लिए क्या विधि है कुछ नहीं पहली बार एक बार गंगाजल से पंचामृत दूध से पंचामृत से धो करके फिर गंगाजल से धो करके और भोलेनाथ पर अर्पित कर दीजिए और फिर उस पर मंत्र जपना सिद्ध कर दीजिए वो जबते जबते वो सिद्ध हो जाएगा, जबते जबते सिद्ध हो हो जाएगा जाएगा माला नीतू शर्मा जी ने पूछा है श्री दुर्गा यंत्र तांबे के चौकोर टुकड़े पर बना हुआ रास्ते में पड़ा हुआ मिला है मैंने माथे से लगाकर गंगाजल से स्नान करा करके पूजा के आले में बैठा दिया है आपसे प्रार्थना है कृपया इस संदर्भ में कोई आदेश या सलाह देखिए आदेश तो मैं क्या तू नीतू शर्मा जी मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं ये आपकी धार्मिक भावना है जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है रास्ते से गिरा, में गिरा था, आपने उठाया और माथे से लगाया श्रद्धा चीज है गुहयात गुहिय गोपति गुहिय से भी गुहिय अति गुहिय तो ऐसे किसी जगह पर गिरा हुआ हो तो उसे पूजा स्थल पर रखने से अच्छा है कि उसे प्रवाहित कर दिया जाए क्या पता किसी का उस पर पैर भी लगा हुआ हो तो उसमें वो शक्ति रह नहीं जाती वो शक्ति चली जाती है तो आप चाहें उसको प्रवाहित कर दे ये आपकी श्रद्धा थी उसको आपने हटा लिया ये बहुत अच्छा किया यही श्रेष्ठ था पूजा स्थल में रखने से अच्छा है उसे जल में प्रवाहित कर देना महावीर जी ने पूछा है क्या घर के मंदिर में रखे श्रीयंत्र के सामने बैठकर श्री विद्या के पंचदशी मंत्र और भगवती दक्षिण काली के मंत्र का जप कर सकते हैं महाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वती की पूजा कर सकते हैं अरे इसमें कोई संशय आप उठा रहे हैं श्रीयंत्र के सामने बैठकर के कर रहे हैं बहुत बढ़िया अगला प्रश्न है रजत जोशी जी का इन्होंने पूछा है क्या व्यक्ति का कद भी ग्रहों पर निर्भर करता है हाँ तो उपाय बताइए देखिए देखिए अब अब तो तो आप तो आपकी उम्र भी भी हो चुकी होगी प्रश्न पूछ पूछ रहे रहे हैं हैं तो पता नहीं आप किसके लिए पूछ रहे हैं? निर्भर तो सब कुछ ग्रहों पर ही करता है लेकिन कई बार माता पिता की भी लंबाई बहुत नहीं है तो यह भी बहुत बड़ा एक प्रभावी कारण बन जाता है यह भी एक बहुत बड़ा प्रभावी कारण बन जाता लेकिन अब आपने कद की बात कह दी है तो राशिफल देखते रहेगा एक सूत्र आपने दे दिया है मैं आने वाले दिनों में इसको महादिव्य महाप्रयोग में बता दूंगा प्रीत इंद्र कुमार जी ने पूछा है पंचांगुली मंत्र कैसे करें किस प्रकार जपा जाए साहब ये बहुत जिनको हस्तरेखा में सिद्धि चाहिए जो चाहते हो कि हस्तरेखा में उनकी पकड़ हो ये साधना है बस साधना है ज्योतिष तो शास्त्र के बारे में सुधाई मैंने एक ही बात कही है कि किताब आपने कितना पढ़ा भूल जाइए सूत्र कितने याद किए भूल जाइए साधना कितनी है मायने रखता है पंचांगुली साधना है पंचांगुली की साधना साधना करके कि जो जो हाथ दे करके हाथ को छूते ही आप कहें वो घटित हो जाए सामने वाला मान ले तो आप जब तक किसी जानकार जिन्होंने इसकी साधना की हो जब तक उनके संपर्क में ना आए केवल यहां से मैं बता दूं और आप साधना कर लेंगे तो कैसे वो फलीभूत होगा किताब में लिखे होने से काम नहीं चलेगा किसी जानकार के पास आपको जाना होगा जिन्होंने इसकी साधना की होगी और वो फिर उसकी विधि बताएं कठिन है ये मंत्र ही इसका बहुत एक सौ आठ बार जब खराब हो जाए तो मैं समझता हूं कि आप किसी जानकार की पहले पकड़ में आइए उनसे जुड़िए और फिर इसके बाद ही इसकी सिद्धि करिए आर कुमार जिन्हें पूछा है तुलसी के पौधे में कुछ लोग एकादशी को जल देने से मना करते हैं और कुछ लोग द्वादशी तिथि को जल देने से मना करते हैं दोनों में क्या सही है रविवार के शाम को तुलसी पौधे के समुख दीपक जला सकते हैं आप हर दिन जल दे सकते हैं हर दिन दिया जला सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं तिथि विशेष और दिन विशेष को तुलसी पत्र तोड़ना मना है बस इसके अलावा जो भी कहता है अज्ञानता है अगला प्रश्न है ऋषभ पांडे जी का इन्होंने पूछा है सूर्य पर्वत पर कमल होने का क्या फल होता है अगर साफ साफ आपको कमल बना दिखाई पड़ रहा है तो यह अत्यंत श्रेष्ठ है जातक को समाज में प्रतिष्ठित और सम्मानित कराने वाला होता है सूरज रेखा मणिबंध से निकला हो परंतु विकसित नहीं हुआ हो सूर्य रेखा वो मानी ही नहीं जाएगी जो जब तक सूर्य पर्वत तक न पहुंची हो मणिबंध से निकल करके अगर विकसित ही नहीं हुई तो सूर्य पर्वत रेखा कैसे आपने उसको मान लिया सूर्य रेखा वही रेखा है जो सूर्य पर्वत यानी अनामिका उंगली के नीचे तक आ जाए अगर वो वहां तक नहीं आया हुआ तो सूर्य रेखा है ही नहीं और ग्रो रिच सेटअप सही कोई आईडी है चलिए प्रश्न आ गया है आपका सभी सात ग्रहों के बीज मंत्र का प्रतिदिन एक एक माला पाठ किया जा सकता है ग्रह से उत्पन्न गलत परिस्थितियों का निवारण हो सकता है जरूरत तो नहीं पड़ती आपके सातों के सातों ग्रह खराब नहीं होते कभी या नवो ग्रह खराब नहीं होते लेकिन आप करना चाहते हैं तो कोई मना ही नहीं है अगला प्रश्न जो है वो नीतू शर्मा जी का है मुझे अक्सर अपने मायके के दिवंगत लोग सपने में दिखाई देते हैं तथा तो ज्यादातर लोग अष्टमी के दिन ही दिवंगत दिवंगत हुए मेरे विवाह के पश्चात मायके से उन्नति जैसे रूठ गई अः तेतर कहते हैं कि होती है त्रिखल शांति जिसको कराया जाता है ऐसी लड़कियां होती हैं तो ऐसा होता है बट मायके में दिवंगत लोग दिखाई पड़ रहे हैं तो अपने भाई को पिता को बोलिए त्रिपंडी श्राद्ध कराए तुरंत रूपम चौधरी जी ने पूछा है कुंडली में ब्राह्मण वर्ण एवं जन्म से जो ब्राह्मण होते हैं उनमें क्या अंतर है देखिए ब्राह्मण का अर्थ क्या सात्विक अगर आप ब्राह्मण वर्ण की हैं तो आप किसी भी घर में जन्मी हो आपके अंदर वो चीजें दिखाई पड़ेंगी सात्विकता बहुत दिखाई पड़ेगी सात्विकता बहुत ज्यादा दिखाई पड़ेगी वो आप किसी भी जाति में हो कोई फर्क नहीं पड़ता तो और ये जो ब्राह्मण आप कह रही हैं ये एक जाति विशेष ब्राह्मण हुआ कि एक हम जाति में जन्मे तो हर जाति चार प्रकृति ने एक जाति की श्रृंखला बनाई मनु ने बनाई ताकि ये सृष्टि क्रमबद्ध तरीके से चल जाए उसके पीछे भी बहुत सारा विचार है तो यहां पर वो समय नहीं होता मैं इतना ही कहूंगा कि अंतर इतना ही है कि अगर आप ध्यान से देखें तो विशेषकर कुंडली वाला जो ब्राह्मण है उसके अंदर सात्विकता बहुत ज्यादा देखेंगी वो चाहे किसी भी घर में जन्मा हो परिमल जी ने पूछा है यदि कोई जीवन भर शादी न करे तो इसका क्या मतलब है उसके पति पत्नी को पिछले जन्म में ही मोक्ष मिल गया नहीं जी शादी न करे तो मोक्ष तुम तो नहीं मिला ऐसा तो नहीं कहेंगे हो सकता है कुछ परिस्थिति ना बने या हो सकता है कुछ और भी कारण हो कई तरह के कारण हो मैंने आज तक जितने लोगों से बातचीत की कहीं ना कहीं कुछ तो कारण था और उस किंतु के कारण उन्होंने विवाह नहीं किया तो इसमें तो कोई तर्क ही नहीं है शोभा देव जी ने पूछा है घर में अक्सर कलह का माहौल यदि हो तो ऐसा क्या उपाय करें ऐसी गलती हो सकती है जिसके कारण हाँ जी क्यों नहीं घर में चप्पल जूता इधर उधर पड़ना घर के सामान अस्थिर अस्त व्यस्त घर की महिलाएं बहुत देर तक सो करके उठती हो मतलब देखा जाए तो घर में साफ सफाई न रहता हो तो ये बहुत बड़े कलह का कारण है विशेषकर खाना कौन बना रहा है खाना बनाने वाला खाना बना करके बना बनता छोड़ कहीं कुछ टीवी देख रहा हो कुछ और कर रहा हो उसके मन में कुछ और चल रहा है ये सब बहुत बड़े कलह के कारण बन सकते हैं ये बहुत बड़े कलह का कारण यही तो है सब वास्तु का सबसे बड़ा दोष है सबको दूर कर लीजिए कल शांत हो जाएगा निशांत सिंह जी ने पूछा है क्या गौमूत्र ग्रहण करने का कोई समय होता है वैसे तो आप प्रातः काल कर सकते हैं लेकिन रोज ग्रहण करने की जगह आप इसे एक दिन तय कर लीजिए कि महीने में किसी एक दिन तय करिए रोज ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर कोई विशेष रोग हो तो आप कर सकते हैं किसी डॉक्टर यानी कि आयुर्वेदज के देखरेख में कर रहे हैं तो बात अलग है अगला प्रश्न जो है यह आंचल जी का है इन्होंने पूछा है यदि पंचामृत ना मिले तो अभिषेक के लिए जैसे आजकल की परिस्थिति है तो वह कौन सा ऐसा द्रव्य है जिससे अभिषेक करने से पंचामृत जन्य आप गंगाजल का अभिषेक कर लीजिए कुछ नहीं तो दुग्ध से कर लीजिए कोई जरूरी थोड़ी है कि पंचामृत ही होगा आपके पास जब जैसा परिस्थिति जैसी हो वैसा करिए शर्मिला जी ने पूछा यदि पूजन के मध्य कोई गुरुजन या ज्येष्ठ जन आ जाए तो क्या उनका आशीष लेने के बाद पुनः पूजा को पूर्ण कर सकते हैं या पूजा खंडित मानी जाएगी नहीं अगर आपका कोई गुरुजन आ गया है वैसे तो कोई श्रेष्ठ जिनको भी आप मानती हैं उनका भी हो सकता है लेकिन विशेषकर अगर गुरु आ गए हैं तो उनके लिए पूजा को खंडित करने का नियम है आप उस समय पूजा बीच में छोड़ दें ऐसा शास्त्र कहता है अगर आप कहें तो मैं अगले आने वाले कभी कार्य प्रारंभ करूंगा तो उसमें उस लोग बोल दूंगा लेकिन ये गुरुजन इत्यादि हो श्रेष्ठ जन हो उनके लिए किया जा सकता है और त्रिपाठी सूरज जी ने पूछा है घर का मंदिर किस चीज का बनवाना चाहिए लकड़ी का बनवा सकते हैं मार्बल का भी बनवा सकते हैं आपके पास जैसी व्यवस्था हो अच्छे से अच्छे पत्थर का बनवा सकते हैं घर में भव्य मंदिर बनवा सकते हैं भगवान के लिए एक रूम रहने दिया हालांकि घर की जो प्रतिमा होती है वो अचल नहीं सचल होती है पर फिर भी आप घर में एक बहुत बढ़िया भव्य मंदिर बनवा सकते हैं वो चाहे आप अगर आपके पास क्षमता हो तो धातु की बनवा लीजिए